Good morning, students. Welcome. Okay, last time we had doing immunity. In that we have discussed innate immunity. Okay, innate immunity discussed कर रहे थे हम और उसमें हमने पढ़े थे physical barrier और physiological barriers. So आज हम इसके detail में देखेंगे कि क्या-क्या रहता है इसमें. अब physical barrier ने हमने कहा था कि जो भी skin हमारी body को cover करती है उसमें आती है, ठीक है. और जो भी हमारी बॉडी के म्यूकस सिक्रेशंस हैं वो इसमें आएंगे. अब जो ये है हमारा बच्चे, जो फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ये सारे किस में आते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. मतलब जब भी हमारी पैथोजेन या कुछ भी हमारी बॉडी के साथ आता है कॉन्टैक्ट में, तो सबसे पहले कौन सी चीज डिफेंस करती है हमारी बॉडी, जैसे उसको हटाती है पैथोजेन या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, दैट इज फिजिकल बैरियर. जैसे हमारी स्किन होगी, जैसे हमारी जो स्किन है वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है पूरी ऑल ऑफ द बॉडी में, है ना. और मोस्टली क्या होता है, ये सॉफ्ट है. दूसरी बात ये क्या है, वाटर प्रूफ है, कोई भी पैथोजन एज इट अ डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है. तो ये हमारे बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया से हमें सक्सेसफुली प्रिवेंट करती है. नाउ अब जो ये तो हो गया आउटर, जहां हमारी स्किन प्रेजेंट है. कुछ हमारे बॉडी पार्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे क्या होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है. जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स हो गए, है ना. वहां पे क्या होता है, वहां पे क्लियर स्किन नहीं होती पर म्यूकस सिक्रेटिंग होती है. जैसे बक्कोफेरिंजियल कैविटी होगी हमारी माउथ, हम खाना खाते तो हमारे मुंह के अंदर की कैसे होता है, वो सॉफ्ट होती है ना स्किन, तो म्यूकस सिक्रेटिंग होती है, किसी न किसी टाइप की ग्लैंड सिक्रेट करती है नोज के अंदर. जैसे हम सांस लेते हैं मोस्टली आप देखेंगे जो भी आपके नो बाय नोज आप इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो कुछ भी अगर हमारे नोज के अंदर क्या बोलते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स आर द स्मॉल स्मॉल हेयर्स आर देयर, तो जब हम ब्रीथ करेंगे तो जो भी हवा हमारे नोज के अंदर जाएगी तो उसमें अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वायरस होंगे तो वो मोस्टली किसके साथ स्टिक अप हो जाते हैं, हमारे नोज के हेयर्स के साथ, और वो वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं. उसके बाद मोस्टली जो नोज के अंदर है या थ्रोट में जाके और लाइसोसोम्स वो सिक्रीट करते हैं, वो सेल्स डिफेंसिव सेल्स होते हैं, और उस बैक्टीरिया या वायरस को वहीं पे ट्रैप करके खत्म कर देते हैं. सो दिस इज हाउ द फिजिकल बैरियर वर्क्स, वो हमारे लिए काम करता है. वैसे ही फिजिकल बैरियर में आईज भी आएंगी. आईज में जैसे कुछ भी आईलेट्स में या कुछ भी आंख में कुछ गिर जाता है कचरा, तो मोस्टली क्या होता है, फटाफट से आईज से टेयर्स आ जाते हैं. तो टेयर किसकी प्रेजेंस आते हैं, क्योंकि आईज में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स. लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेयर्स. और जो टेयर्स होते हैं वो अपने साथ क्या, सारा जो भी उसके अंदर डस्ट वायरस बैक्टीरिया जो भी होगा उसको फ्लश आउट कर देते हैं आउट ऑफ द आईज. वैसे ही आपके इंटरनल ट्रैक्ट ले लीजिए, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जैसे हम माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बाइल यूज होता है, यूरिन होता है, तो ये सारे जितने भी अंदर चीजें हैं ये क्या करती हैं, जो भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया माइक्रोब जो भी होंगे उनको अपने साथ डाइजेस्ट करके थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन आउट ऑफ द बॉडी पास आउट कर देती है, ठीक है. सो नाउ फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में ये आपके आता है जैसे कि स्किन सिक्रेशंस हो, स्किन सिक्रेशंस होगी, बैक्टीरिया सलाइवा, वही आपको मैंने बताया, एसिड स्टमक, टियर आइज हो गए, ठीक है. तो ये सारे इसमें आएंगे. और इस नेसल सिक्रेशंस भी होगी इसमें. अगर आप एडिशन दे करना चाहो तो एक जैसे कर सकते हो कि जो ह्यूमन एयर होता है हमारे कान के अंदर भी वैक्स होती है ना, तो दैट इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंडर आती है. क्योंकि उसमें क्या होता है, जो एयर वैक्स होती है वो मोस्टली क्या रहता है, उसमें एयर वैक्स भी जो होती है हमारे किसी भी बैक्टीरिया इंसेक्ट को हमारे एयर के अंदर जाने से प्रिवेंट करती है, ठीक है. ऑर्डिनरी क्रायल से पहले होती है, ब्राउनिश कलर की होती है मोस्टली. समटाइम्स इट कॉज प्रॉब्लम ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हेल्पफुल फॉर अस. कुछ पानी वगैरह ना घुस जाए कान में, तो इन चारों चीजों के लिए वो हेल्प करती है. अब ये तो आपके पास आती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो हमारे क्या करती है, हमें जैसे कोई भी हमारे साथ हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा पैथोजन या बैक्टीरिया, तो सबसे पहले हमें ये चीजें बचाती हैं, जैसे म्यूकस सिक्रेशन होगी, स्किन कवरिंग होगी, एसिड जो बनता है हमारे स्टमक में, टेयर्स फ्रॉम आईज हो गया, सलाइवा हो गया, ठीक है. अब सेरुमेन जो एयर वैक्स बोलते हैं जिसको, नेजल सिक्रेशन, नाक से पानी आना, यानी थिंक ये सारी चीजें हो जाएंगी. नेक्स्ट आपके पास आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में बच्चे क्या आएगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है आपके पास
सेलुलर बैरियर्स। अब जो सेलुलर बैरियर्स होते हैं उसमें मोस्टली आपका इम्यून सिस्टम काम करता है। जैसे सबसे पहले कौन से सेल काम करते हैं ऑब्वियस इम्यूनिटी के लिए, WBCs, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBCs। अब WBCs के बहुत सारे टाइप है ना, सीनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो वो यहाँ बताया गया कि अलग अलग जो WBC के टाइप्स हैं वो अलग अलग कॉम्पोनेंट के लिए फंक्शन करते हैं। अब मोस्टली जो क्या होता है, जो मोनोसाइट्स होते हैं या फिर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले आगे वर्क करते हैं जो भी कोई भी पैथोजन या कुछ आता है। ठीक है, फिर मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देके बताती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। जैसे देखिए, ये हम सबसे पहले क्या है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आ रहा है यहाँ पे। इम्यून सिस्टम दो टाइप के, एक्सटर्नल हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक्सटर्नल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक्सटर्नल के बारे में पढ़ चुके हैं तो अब इंटरनल की बात है। इंटरनल में फर्स्ट और सेकेंड आ गया, फर्दर डिवाइड है दो पार्ट्स में। फर्स्ट लाइन में देखो बच्चे, फैगोसाइट्स फॉर्म होते हैं। मतलब फैगोसाइट्स का काम क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ आइडेंटिफाई और एग्जामिनेट करना कि कौन से पैथोजन एंटर किया है। उसके जो एन का है सी, मतलब नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, सीधा उस चीज को अटैक करेंगे और किल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी काम नहीं करता तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है बच्चे, सीधा सेल को रिसीव मैसेज रिसीव करेंगे वो, और बीट सेल प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज, ठीक है, और वो उसके काउंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आउटर आउटलुक, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको वैसे बताएं तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स की न्यूट्रोफिल्स, WBC है, न्यूट्रोफिल्स हैं। जब WBC का काउंट बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। और एक प्रोसेस आती है इसमें डायपेडिसिस। तो डायपेडिसिस क्या होती है, बुक में दिया होगा आपकी, डायपेडिसिस वो होती है कि जब भी हमारी बॉडी किसी पैथोजेनिक से इंट्रैक्ट करती है तो WBC का काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। और WBC का काउंट बढ़ने से क्या होता है कि जो WBC होते हैं वो सेल्स, वो कैपिलरीज के थ्रू मूवमेंट करके जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वहां पे चले जाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ दैट WBCs इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस इज कॉल्ड डायपेडिसिस। अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो भी फैगोसाइटिस वगैरह करते हैं। मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस बच्चे अब फर्दर इसमें दो टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे भी हमने बात की है ना मैक्रोफेज की। तो मैक्रोफेजेस दो टाइप के होते हैं, एक तो वॉन्डरिंग होते हैं और एक होते हैं आपके पास फिक्स्ड मैक्रोसाइट। अब वॉन्डरिंग नाम से पता चलता है, वॉन्डरिंग मैक्रोसाइट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, इधर उधर पूरे ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट करते रहते हैं। और जो फिक्स्ड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं वो लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज या ब्लड की जो वेसल्स होते हैं उनकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं। उनके पास जैसे ब्लड थ्रू ब्लड मूवमेंट होगी तो जहाँ वायरस या बैक्टीरिया गुजरेगा वहां वो उसको ट्रैप कर लेते हैं। बट जो वॉन्डरिंग होते हैं वो पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वायरस और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और फैगोसाइटोस करते हैं। फैगोसाइटोस मतलब उसको डाइजेस्ट करके बाहर डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। ये सारी बात किसकी थी, सेलुलर बैरियर्स की। सेलुलर बैरियर में कौन से सेल एक्टिवेट होते हैं, WBC। WBCs में फर्दर कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ठीक है। और वो सारे क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। फर्दर मैक्रोफेजेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक वॉन्डरिंग होते हैं और एक क्या होते हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। एक टर्म और आती है, REs बोलते हैं। REs हम किसको बोलते हैं, जब फिक्स्ड मैक्रोफेजेस और वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस को एक साथ हम क्या बोलते हैं, REs। उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, रेटिकुलो एंडोलिथियल सिस्टम, ठीक है। अब फर्दर आपको एक्सोसाइटोकाइनिन बैरियर के बारे में एग्जांपल हम देते हैं। यहाँ पे जो साइटोकाइनिन बैरियर होते हैं बच्चे, वो मोस्टली उसमें क्या होता है, इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन होती है। अब इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इंटरफेरॉन एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, जो दे आर द प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। जब भी कोई सी सेल को वायरस इफेक्ट करता है तो वो सेल इन्फेक्टेड सेल्स प्रोटीन रिलीज करते हैं, ठीक है, अदर देन हेल्दी टिश्यू। तो उसको हम बोलते हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स, ठीक है, क्योंकि वो इन रिस्पॉन्स टू वायरस कर रहा है प्रोटीन प्रोड्यूस, उसको बोलते हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स। दे स्टिमुलेट द अनइन्फेक्टेड सेल्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन विच कैन इंटरफेयर विद द वायरल रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो जैसे खुद जो सेल इफेक्टेड है वो प्रोड्यूस करेंगे एंटीवायरल प्रोटीन्स, और जो बाकी अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको भी मैसेज भेजेंगे कि वो भी वैसे ही प्रोटीन क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। जब सारे जो हेल्दी सेल होंगे वो भी
एंटीवायरल प्रोटीन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो जो वायरस होगा वो बाकी सेल्स को क्या इफेक्ट नहीं कर पाएगा, और वो वायरस बाकी सारे सेल्स वायरस को इनहिबिट करने में सक्सेसफुल होंगे, सो दे गेट फ्री फ्रॉम दैट वायरस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, इंटरफेरॉन है जैसे इन्फेक्टेड सेल है ना बच्चे, यहाँ पे तो ये वायरस इसके साथ आ रहा है, वायरस रेड कलर में देख रहे हैं आप, ये रेड कलर में क्या है, वायरस अटैक कर रहा है किसको, इन्फेक्टेड सेल को। अब इन्फेक्टेड सेल ने क्या कर दिया, वैसे ही ये आई दिख रहा है आपको, ये इंटरफेरॉन्स, ये है प्रोटीन जो इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये आई क्या कर रहे हैं, आगे जाके जो दूसरा सेल है उसको भी मैसेज दे रहे हैं, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा, सेम सेल्स प्रोड्यूस करेगा, और इम्यून मॉड्यूलेशन मतलब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और सारे वायरस के अगेंस्ट क्या होगा, प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होंगे, और क्या होगा, जो हेल्दी टिश्यू होगा वो वायरल इन्फेक्शन से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वायरस के एक्शन को इनहिबिट कर देगा, मतलब रोक देगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ऐसे आता है। अब बच्चे इसमें क्या रहता है, जो साइटोकिनिन बैरियर सेलुलर बैल में, इसमें एक और चीज आती है, फीवर, जैसे बॉडी को भी कभी फीवर आ जाता है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, है ना, हम बोलते हैं ये किसी को लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या करते हैं मोस्टली, क्या करते हैं मोस्टली, मोस्टली रहता है कि वो जगह रेड हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा कुछ ही होता है। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे कि अगर हमें इवेंट्स इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, हमारी बॉडी किसी पैथोजन से रिएक्ट करती है या फिर लग जाती है ऐसा कुछ है, तो कैसे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन काम में आता है। जैसे हमारा एक सबसे पहले क्या होता है, किसी भी टिश्यू की क्या होती है बच्चे, इंजरी होगी, तो हेयर इज अ टिश्यू इंजरी, किसी भी मेथड से हो सकती है, पैथोजन से भी हो सकती है, केमिकल एजेंट से भी होती है, फिजिकल एजेंट से भी हो सकती है। अब उसमें सबसे पहले होगा क्या, अगर फॉरेन मैटर रहता है सबसे पहले, वो तो पता ही है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉक्सिन, टॉक्सिन्स क्या क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट्स द मास सेल, जो डिवीज सेल के मास सेल होंगे उसको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे जाके, तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अब वो डिसइंटीग्रेट होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हिस्टामिन। अब इन चीजों के होने से फर्दर क्या एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी पे, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे फॉरेन मैटर एक्ट करता है तो कैपिलरी वाइडनिंग, ऑब्वियस है कैपिलरी की वाइडनिंग होगी क्योंकि उसमें क्या है, फॉरेन मैटर इंडल्ज हो रहा है, जैसे ही कैपिलरी वाइड होगी तो वहां पे प्रोडक्शन ऑफ फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो क्या कॉज होगी, रेडनेस, वार्मथ, हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी जल्दी जल्दी वहां पे जाएगा ब्लड मूव करेगा। टॉक्सिन्स क्या करेंगे, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ा देंगे उसमें टॉक्सिन, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी जाने की परमिएबिलिटी बढ़ा देंगे, उससे क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड हो जाएगी और रेडनेस आ जाएगी वहां पे। सिमिलरली जब मास सेल्स डिसइंटीग्रेट हो रहे तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स रहेगी, न्यूट्रोफिल मूवमेंट टू इंजर्ड साइड, न्यूट्रोफिल क्यों मूव कर रहे हैं इंजर्ड साइड की, क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस करेंगे वहां पे, जो भी पैथोजन आए जर्म्स आए उनको किल करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या रहेगी, टेंडरनेस या हल्की सी टेंडरनेस रहेगी, मतलब सख्त हो जाएगी जगह। सिमिलरली हिस्टामिन क्या करेगी, सिस्टमैटिक रिएक्शन करेगी अगर, तो जो सिस्टमैटिक रिएक्शन होगा उसमें टाइम लगता है, उसमें क्या आएगा, हमारी बॉडी में फीवर आता है और ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ता है जिससे स्वेलिंग और पेन रहती है। ठीक है, सो दीज आर द इन्फ्लेमेटरी इवेंट्स। अब फीवर में बच्चे, फीवर का भी आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि फीवर जो होता है फर्दर कैसे आता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के उसमें ही आता है, जैसे इन्फ्लेमेशन हुई तो अभी दो टाइप के होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, एक लोकलाइज्ड और एक सिस्टमैटिक। लोकलाइज्ड में क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट रहेगा, लेकिन सिस्टमैटिक में क्या होगा, फीवर आएगा। और फीवर क्यों आता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसमें एंडोजिनस पायरोजन प्रोटीन होता है, वो रिलीज करते हैं क्या, कौन, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस किसका पार्ट होते हैं, WBC का, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन में थर्मोस्टैट है, थर्मोस्टैट में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है वो रीसेट हो जाता है और हमारी बॉडी को हाई टेम्परेचर पे पूरी बॉडी को रख देता है, जिससे क्या होता है, हम फीवर फील करते हैं। अगर फीवर हल्का है बच्चे तो हमारी बॉडी में फाइट कर रहा है माइक्रोब्स, लेकिन अगर ज्यादा है तो हमें क्या करते हैं पड़ता है, एंटीपायरेटिक्स लेनी पड़ती है और उसको लोअर डाउन करना पड़ता है, क्योंकि दैट कैन बी डेंजरस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद द स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।